मुझे ना यहाँ पे मिले दो क्यूट क्यूट से बाराती। आप बाराती हो ना? यस। अच्छा क्या खा रही हो? आइसक्रीम। आइसक्रीम। अच्छा बारात आ गई। हाँ। कैसा लगा फिर? अच्छा। ध्यान से किया नहीं किया? किया किया। पैसे मिले हमको इतने सारे? पैसे भी मिले। बड़ू को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरे YouTube चैनल पुष्पा दो साथ ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं, यही गेहूं के खेत से। मैं और मेरे फ्रेंड जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? आज हम बारात में जा रहे हैं। बारात में ना? घर से जा रहे हैं। घर से बारात में जा रहे हैं। हमारे स्टाफ की, हमारी एक बहन की लड़की की शादी है। और ना साथियों, मैंने दांत लगा दिया है नया वाला, ये कमेंट में जरूर बताना है कैसा लगा करके। थोड़ा ऊंचा हुआ है, मैंने कहा काट दो, कह रहे थे नहीं घी जाएगा कुछ दिनों में करके। देखो कितनी जल्दी लग गया ना। ये फ्रेंड को ना ये गेहूं इतने पसंद आ गए हैं, क्या बताऊं। अब वो कह रही है कि ये खेत वालों से पता करके बीज ले जाऊंगी और मैं भी अपने खेत पे लगाऊंगी। तुम्हारे ऐसे वाले नहीं है क्या? चश्मा क्यों निकाला? पहन लो ना, कभी कभी तो हमें मौका मिलता है खुद के लिए जीने का। तो साथियों ना, जब हम कहीं जाते हैं तो थोड़ी बहुत मेकअप कर ही लेते हैं। आज हमें साड़ी पहनने का टाइम बिल्कुल नहीं हो पाया, तो फिर अब हम ड्यूटी सूट में ही गए थे, तो ऐसे ही फिर हम आ गए। बस थोड़ी बहुत हमने हल्का मेकअप किया, फिर अभी ना हल्का हल्का थोड़ा सा किया, बस हो गया। तब जाते हैं, वहीं मिलते हैं शादी वाले घर में आप लोगों से। बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम ना बहुत ही खराब हो गया है, बिल्कुल बारिश आने का हो गया है बिल्कुल ही। मौसम हो गया, देखो उनके यहाँ शादी है, वो सामने ना हो। हाँ, वहाँ शादी है, देखो सारा मौसम खराब हो गया, सारी बर्बादी, फसल सारे बर्बाद कर दिए बारिश ने। जिनके यहाँ तो भाई शादी है, उनके यहाँ तो खास तौर पर सब भी कुछ बर्बाद हो जाता है बेचारों का। फसल तो खैर बर्बाद कर दी इस बारिश ने, तभी तो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है यार बिमला ये इस बार तो। लेकिन जिनके यहाँ शादी है उनका भी तो ऐसा हुआ, अभी बहुत ही बर्बाद हो गया था उनका तो। यहाँ पे ना प्यारे प्यारे खिले हैं मिझो के फूल, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, जो कि एक अपने दोस्त और अपने लिए ले जाती हूँ। वाह, लो, थैंक यू। वाह कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल कमल की तरह लग रहे हैं ना। साथियों अभी तक तो हमें बस दो चार फूल मिले थे ना, अभी जा रही हूँ पूरे उसके बगीचे में और आप तो उसको डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मेरे। गीता का जो गांव है ना बहुत अच्छी जगह में है, बिल्कुल ब्लॉक पे ही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो प्यारा सा हैंडपम्प, और दोनों साइड से पानी, दोनों साइड से है नल। मुझे ना यहाँ पे मिले दो क्यूट क्यूट से बाराती। आप बाराती हो ना? यस। अच्छा क्या खा रही हो? आइसक्रीम। आइसक्रीम। अच्छा बारात आ गई। हाँ। कैसा लगा फिर? अच्छा। ध्यान से किया नहीं किया? किया किया। पैसे मिले हमको इतने सारे? पैसे भी मिले। हाँ, दाना हो गया, पैसे मत दिखाओ। अरे पैसे का है, कोई बात नहीं। आप स्कूल पढ़ते हो ना, इनसे पेन खरीदना। हाँ हाँ। बहुत लगी है बारिश, मेरी फ्रेंड ने
बना ली क्या कहते हैं अपनी चुन्नी को छतरी, और देखो डॉगी बारिश से छुपने के लिए कैसे बैठा है जल्दी ट्रैक्टर के पीछे से। वाह बहुत अच्छे लग रहे हो आप। हाँ बहुत ज़्यादा चल रही थी हवा और मेरी दोस्त तो डर गई कहीं मैं उड़ूंगी नहीं करके, अगर नहीं उड़ेगी 70 kg की तू 80 kg की मैं, और ये हवा की मजाक जो हमें उड़ा दे। गांव में प्रकृति का नज़ारा लेते हुए जा रहे हैं दोनों फ्रेंड एंजॉय करते हुए। ये है हमारी प्यारी सी बहन, बहुत बहुत बधाई आपको शादी की, और ये है इनकी सबसे छोटी वाली बहन, और अभी बड़े वाले तो कहीं बाहर होंगे, और सभी लोग ये ननद हैं सभी, बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से। जैसी ना जयमाला की तैयारी हुई तो बारिश बहुत ज्यादा आ गई, लेकिन शादी में तो ना शुभ होती है बारिश, थोड़ा सा इंतजार के बाद अभी होगी बनमाला। दुल्हन की ननद की चल रही है फोटोग्राफी, हमें तो लगा यहाँ आगे धूप आएगी बारिश आ गई। अरे दादी बतरोने फोन करेगी तूने, खेती में लगाया तो दीदी की पौधे क्या चाहिए ले दे। बारिश की वजह से सारे मेहमान बैठे हैं अंदर, दुल्हे राजा भी आ रही है अभी, बहुत प्यारे लग रहे हो। बहुत अच्छी जोड़ी हुई है, बहुत ही अच्छी है दुल्हन की ये प्यारी सी क्यूट सी मम्मी, दुल्हन जैसी तो खुद ही लग रही है। धन्यवाद। अभी अब दूल्हा दुल्हन खाने लग गए खाना, उनके खाने की प्लेट लग गई अंदर, फिर हम आ गए हैं बाहर को। अभी इतनी बारिश हो रही है क्या बताएं, बिल्कुल बारिश, बिल्कुल बारिश ने पूरा शादी का मजा किरकिरा कर दिया है, नहीं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तक तो जयमाला भी हो जाती है। झमाझम हो रही ना, इतनी ज्यादा बारिश भी अच्छी नहीं होती ना, खासकर दुल्हन वाले घर में ना, वहाँ पे बहुत सी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, और फिर बारात आई रहती है उनका स्वागत वगैरह सारा, और इतनी ज्यादा बारिश हो जाए तो दुल्हन की बहन पूरा लहंगा खराब हो गया उनका। हाँ सारे बाराती हूँ जितना मेकअप करके आए थे सब बह गए हैं उनका।
कैसी लगी फिर शादी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी ना। और देखो मौसम कैसे रंग बदल रहा है ना, धूप आ रही है। जैसे हम वहाँ पहुँचे पूरी बारिश ही बारिश, और जब हम जा रहे थे पूरी धूप ही धूप, धूप ही धूप। चलो जरा धूप आ गई ना, नहीं तो हमें भी बहुत चिंता हो रही थी कि अब हमारी फ्रेंड की शादी कैसी होगी, उसकी बेटी की, और सब भीग जाएंगे बाराती। और पूरी रोड में हुआ है पानी, पानी है बहुत ज्यादा पानी है, छपा छप। आप लोगों को दिखाती हूँ क्या ऐसा व्यू यहाँ का। अभी खिली है तेज धूप और ये है प्यारे प्यारे व्यू। मेरी दोस्त लगी है आगे से और मैं जा रही हूँ पीछे से, लगभग लगभग 2-3 किलोमीटर मैंने जाना है पैदल, और बिमला का तो है 9-10 किलोमीटर। अभी हम ना चलते चलते थक गए थे बहुत, और यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए हैं। अब थोड़ा सा मारते हैं गप्पे सप्पे, फिर थोड़ी देर में अभी भैया आ जाएंगे और फिर मेरी फ्रेंड जाएगी अपने घर को। तो शादी वाले घर से मैं आ गई हूँ अब अपने घर, और दोस्त आज जी लगे हैं लाइटिंग के काम में, और हर समय आपको बिजी मिलेंगे, वो तो बिजी इंसान। हाई कर दियो जरा मैं लगड़ी हुए। तो अभी यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त। अगर आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ।